भारतीय सिनेमा के 100 साल से भी अधिक के इतिहास में एक से बढ़कर एक भावनात्मक फिल्में बनी हैं, जिनमें फिल्मकारों ने हम मनुष्यों की हर भावनाओं को सिनेमा के रूप वाले पर्दे पर चित्रित किया है। साल 1964 में एक ऐसी ही फिल्म आई जिसने मित्रता को कुछ यूं परिभाषित किया कि उसे देखने वाले हर शख्स की आंखें नम हो गईं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिल्म दोस्ती की। औरली बजाओगे? मुझे बहुत अच्छा लगता है, बजाओ ना। जाने वालों जरा। लो भाई, अब अंधे भी पढ़ने लगे। ये झांसा कहीं और देना। किताब दो मुझे। चुटते कहीं का। रामू, सुना है दुनिया में कई देश ऐसे भी हैं जहाँ पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं लगते। हमारे देश में ऐसा कब होगा रामू? होगा रे, एक दिन जरूर होगा। राजश्री प्रोडक्शंस के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था ताराचंद बड़जातिया ने तथा इसके निर्देशक थे सत्येन बोस। इसकी कहानी लिखी थी बाण भट्ट ने तथा डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखा था गोविंद मुनिस ने। तकरीबन 2 घंटे 43 मिनट की इस फिल्म को रिलीज किया गया था 6 नवंबर 1964 को तथा इसके प्रमुख और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे सुशील कुमार, सुधीर कुमार, बेबी फरीदा, संजय खान, लीला मिश्रा, लीला चिटनिस, उमा राजू, अभि भट्टाचार्य, नाना पलसीकर आदि। फिल्म दोस्ती दिल को छू लेने वाली अपने गीत संगीत के लिए भी जानी जाती है, जिन्हें मर्मस्पर्शी धुनों में ढाला था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तथा इनके बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने। फिल्म में कुल 6 गीत रखे गए थे जिनके बोल थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, मेरा तो जो भी कदम है, कोई जब राह न पाए, राही मनवा दुख की चिंता, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे और गुड़िया हमसे रूठी रहोगी। चलिए अब जानते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म दोस्ती साल 1964 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के तीसरे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 20 लाख रुपए और इसने 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इस लिहाज से इसे एक सुपरहिट फिल्म कहा गया। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही थी फिल्म संगम जिसने 4 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई तथा दूसरे स्थान पर रही फिल्म आई मिलन की बेला जिसने 2 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई की और सुपरहिट रही। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो फिल्म दोस्ती में कोई भी बड़ा स्टार नहीं था, फिर भी निर्माता ताराचंद बड़जातिया को पूरी आशा थी कि ये फिल्म बड़ी हिट साबित होगी, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को पूरे देश भर में एक साथ रिलीज करने का फैसला लिया और इसे 64 प्रिंट्स के साथ रिलीज किया गया जो कि उस समय तक एक रिकॉर्ड था। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में 2 नए कलाकारों सुधीर कुमार और सुशील कुमार ने काम किया था। इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद सबको यही आशा थी कि दोनों स्टार बन जाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि दोनों अभिनेता जितनी जल्दी कामयाब हुए थे उतनी ही जल्दी गायब भी हो गए। सुधीर कुमार की साल 1993 में मौत हो गई। उनकी मौत के बारे में बहुत सी अफवाहें प्रचलित की गईं। उनमें से एक अफवाह यह है कि एक बार गोश्त खाते हुए हड्डी का एक टुकड़ा उनके गले में फंस गया जो कि बाद में नासूर बन गया और सुधीर कुमार को नहीं बचाया जा सका। इस संबंध में उनकी बहन बताती हैं कि उनकी मौत कैंसर से हुई न कि हड्डी फंसने से। इधर सुशील कुमार को भी इस फिल्म के बाद फिर कभी नायक की भूमिका नहीं मिली और वो छोटे मोटे किरदारों में नजर आते रहे। फैक्ट नंबर 4, फिल्म दोस्ती संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए मील का पत्थर साबित हुई। वैसे तो उनकी शुरुआत साल 1963 की फिल्म पारसमणि से हो चुकी थी जिसका संगीत भी खासा लोकप्रिय हुआ, पर इस फिल्म को एक बी ग्रेड फिल्म समझा गया। इसके बाद दोस्ती वो पहली फिल्म रही जिससे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शोहरत के बुलंदियों पर पहुंच गई और उन्हें अपने कैरियर का पहला फिल्मफेयर पुरस्कार भी हासिल हुआ। फिल्म दोस्ती का एल्बम संगम के बाद साल 1964 का दूसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय एल्बम साबित हुआ और 1960 के दशक का 11वां सबसे ज्यादा लोकप्रिय एल्बम भी रहा। फैक्ट नंबर 5, फिल्म दोस्ती साल 1959 की बांग्ला फिल्म लालू भुलू की रिमेक थी।
ताराचंद बड़जात्या ने जब ये फिल्म देखी तो उसी समय इसे हिंदी में बनाने का फैसला कर लिया और तय किया कि वो ये फिल्म नए कलाकारों के साथ बनाएंगे, पर वो इससे पहले खुद को बतौर निर्माता साबित करना चाहते थे। इसलिए अपने बैनर राजश्री प्रोडक्शंस के तहत उन्होंने पहले साल 1962 में फिल्म आरती बनाई और इसकी सफलता के बाद ही उन्होंने दोस्ती को बनाने का फैसला किया। फैक्ट नंबर 6, सुधीर कुमार बताते हैं कि ताराचंद बड़जात्या की बेटी राजश्री ने उनकी फिल्म फूल बने अंगारे में उनके काम को देखकर बेहद ही खुश हुई और उनका नाम अपने पिता को सुझाया। इसके बाद फिल्म के दोनों कलाकारों को 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर 300 रुपये प्रति माह के तनख्वाह पर रख लिया गया। फैक्ट नंबर 7, फिल्म के संगीत को कर्णप्रिय बनाने में मशहूर संगीतकार आरडी बर्मन का भी बहुत बड़ा योगदान था। दरअसल इसके गीत जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे की शुरुआत में बजाया गया माउथ ऑर्गन खुद आरडी बर्मन ने ही बजाया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म दोस्ती को भारत सरकार की तरफ से काफी प्रोत्साहन मिला था। इस फिल्म को न केवल राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया बल्कि इसे जगह जगह टैक्स फ्री भी कर दिया गया था। खास तौर पर यह फिल्म बच्चों को दिखाई गई और महाराष्ट्र के कई स्कूलों में शुक्रवार के दिन यह फिल्म दिखाने का रिवाज भी चला था। फैक्ट नंबर 9, जिस साल फिल्म दोस्ती रिलीज हुई उसी साल उस समय के सुपरस्टार दिलीप कुमार की फिल्म लीडर रिलीज होकर फ्लॉप भी हो गई। कहा जाता है कि थिएटर के बाहर जबरदस्त भीड़ देखकर दिलीप कुमार पूछते थे कि अरे भाई इस फिल्म में ऐसा क्या बात है जो लोगों की इतनी भीड़ लगी हुई है, पर जब उन्होंने स्वयं इस फिल्म को देखा तो वो इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। बीच में किसी ने यह अफवाह भी उड़ाई थी कि दिलीप कुमार ने दोस्ती फिल्म की लोकप्रियता से चिढ़कर सुधीर कुमार और सुशील कुमार का गाड़ी से एक्सीडेंट करवा दिया, हालांकि यह बात पूरी तरह से असत्य थी। फैक्ट नंबर 10, फिल्म दोस्ती के बाद से ही शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हुई। दरअसल फिल्म मेरे महबूब और संगम की लोकप्रियता को देखते हुए शंकर जयकिशन ने अपनी फीस दुगुनी कर दी थी और फिल्म आए दिन बहार के लिए 3.5 लाख रुपये की मांग की, जिससे फिल्म के निर्माता जय ओम प्रकाश बेहद ही आहत हुए और उन्होंने भविष्य में कभी उनके साथ काम करने का फैसला नहीं किया। इसी समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म दोस्ती का संगीत दिया, जिसने न केवल उस साल का फिल्म फेयर पुरस्कार झटका बल्कि जय ओम प्रकाश ने अपनी अगली फिल्म आप आए बाहर आई के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को ही 1 लाख रुपये से भी कम फीस में साइन कर लिया। इस तरह से दोनों संगीतकार जोड़ियों के बीच प्रतिद्वंदिता की शुरुआत हो गई। फैक्ट नंबर 11, फिल्म दोस्ती को मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में भी जगह मिली थी। दरअसल उस साल के मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सत्यजीत रे की फिल्मों का पुरुष और महापुरुष के साथ एक हिंदी फिल्म भी शामिल होनी थी। उन दिनों रूस में राज कपूर की फिल्मों की खूब मांग रहती थी, इसलिए लोगों का मानना था कि उस फिल्म फेस्टिवल में संगम को जरूर स्थान मिलेगा, पर संयोग से राज कपूर को उस फेस्टिवल के ज्यूरी मेंबर्स में शामिल कर लिया गया, जिसके कारण उनकी फिल्म संगम शामिल नहीं हो सकी। अतः उसके जगह पर दोस्ती फिल्म को उस फिल्म फेस्टिवल में भेजा गया। फैक्ट नंबर 12, फिल्म दोस्ती की सफलता के बाद ताराचंद बड़जात्या सुधीर कुमार और सुशील कुमार को लेकर एक और फिल्म बनाने की तैयारी कर रहे थे और दोनों को 300 रुपये महीने पर साइन भी कर लिया गया था, पर इसी समय सुशील कुमार को साउथ की एक फिल्म में लीड रोल ऑफर हुआ और उन्होंने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। इस तरह से ताराचंद बड़जात्या ने उस फिल्म को बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। फैक्ट नंबर 13, फिल्म में काम करने वाले ज्यादातर कलाकार बिल्कुल नए थे। सुधीर और सुशील कुमार दोनों ने इससे पहले फिल्मों में छोटे मोटे रोल किए थे, पर बतौर नायक उनकी ये पहली फिल्म थी। इधर संजय खान ने साल 1964 में 2 फिल्मों हकीकत और दोस्ती में काम किया, जो कि उनके कैरियर की आरंभिक फिल्में रहीं। इसके अलावा अभिनेत्री उमा राजू के कैरियर की भी ये पहली हिंदी फिल्म थी, पर सिवाय संजय खान के किसी को भी इस फिल्म के बाद बहुत ज्यादा शोहरत हासिल नहीं हुई। फैक्ट नंबर 14, बंगाली फिल्म परिवर्तन तथा हिंदी फिल्म जागृति और दोस्ती बनाने के कारण निर्देशक सत्येन बोस को बच्चों की फिल्मों का निर्देशक कहा जाने लगा, क्योंकि इन सभी फिल्मों के प्रमुख किरदार बच्चे ही थे, जिसमें मुख्य अभिनेत्री सरीखे कोई भी रोल नहीं होते थे, जो कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी। फैक्ट नंबर 15,
फिल्म दोस्ती राजश्री प्रोडक्शंस की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही, जब तक कि इसका रिकॉर्ड साल 1989 की फिल्म मैंने प्यार किया ने नहीं तोड़ा। राजश्री सामान्यतः छोटे बजट की फिल्में बनाने के लिए जानी जाती थी और इसकी कोई भी फिल्म टॉप 3 कमाओ फिल्मों की लिस्ट में अगले 25 सालों तक शामिल नहीं हुई। दोस्ती राजश्री प्रोडक्शंस की सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली फिल्म भी साबित हुई, जिसने 6 फिल्म फेयर और एक नेशनल अवार्ड भी जीता था। तो ये थी साल 1964 में आई बेहद ही लोकप्रिय फिल्म दोस्ती पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले सभी नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।